भाव पदार्थ इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये होने वाला है कि क्या है भाव पदार्थ या अभाव पदार्थ। इसमें ये भी बन सकता है कि भाव पदार्थ के बारे में डिटेल लिखिए या अभाव पदार्थ के बारे में डिटेल लिखिए। तो हम लोग अभी तो एक जनरल कॉमन दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, जब हम इसको अलग अलग भी पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये भाव और अभाव, जैसा कि नाम है, भाव का मतलब सत्ता, एग्जिस्टेंस। भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, सत्ता। तो इसका मतलब जो उपस्थित है उसको हम लोग कहेंगे भाव पदार्थ, और जो अभाव अर्थात जो उपस्थित नहीं है उसको कहेंगे अभाव पदार्थ। तो अब इसको हम लोग डिटेल देखते हैं। आचार्य चरक ने चरक सूत्र 11 में, आचार्य चरक ने चरक सूत्र 11 के त्रिषडसी अध्याय के अंतर्गत उन्होंने बोला है कि द्विविधम एव खलु सर्वम सत असत। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो संपूर्ण पदार्थ है वो दो रूपों में पाया जाता है, द्विविधम दो रूपों में पाया जाता है। खलु मतलब संपूर्ण जो पदार्थ होते हैं ये पूरे ब्रह्मांड में दो रूप में पाए जाते हैं, एक सत रूप में एक असत रूप में। सत का मतलब क्या होता है बच्चों? सत का मतलब होता है भाव, उपस्थिति, जिसके जो उपस्थित हो, ये भाव। सत का मतलब क्या होता है? भाव या एग्जिस्टेंस। असत का मतलब होता है कि जो उपस्थित न हो, इसका मतलब अभाव। तो अब असत का मतलब क्या होगा? अभाव। सत का मतलब भाव, असत का मतलब अभाव। तो इस तरह से आचार्य चरक बताया कि इस ब्रह्मांड में जो संपूर्ण जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, दो रूपों में उपस्थित है, एक भाव के रूप में अर्थात एक सत के रूप में जिसको हम लोग भाव से कोरिलेट कर रहे हैं, भाव पदार्थ, एक असत है जो जिसको हम लोग अभाव से कोरिलेट कर रहे हैं। और उसको देखेंगे तस्य चतुर्विध परीक्षा, और इन जो सत असत, जो भाव पदार्थ अभाव पदार्थ है, इनकी जो परीक्षा है, एग्जामिनेशन है, वो चार प्रकार की परीक्षा से करते हैं। चतुर्विध परीक्षा कौन कौन से? आप्तोपदेश, ये देखेंगे आप्तोपदेश है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, युक्ति है। ये इनकी जो भाव पदार्थ अभाव पदार्थ की परीक्षा किससे की जाती है? तो चार प्रकार से की जाती है। तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे यही हम लोग पढ़े, पदार्थ दो प्रकार हो गए, एक भाव पदार्थ, एक अभाव पदार्थ। तो यहाँ पर देखेंगे इसी को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया। आपको एग्जाम में इसी तरह से कुछ लिखना है, कैसे? पदार्थ हम लोग लिख दिया, उस पर देखेंगे एक साइड में लिखा भाव पदार्थ, इसका मतलब जिसकी सत्ता हो, एग्जिस्टेंस हो, अभाव पदार्थ नॉन एग्जिस्टेंस। भाव का मतलब एग्जिस्टेंस, जिसकी उपस्थिति हो, अभाव का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर भाव पदार्थ हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भाव पदार्थ के अंतर्गत हम लोग वही पढ़ेंगे जो चरक संहिता के षट पदार्थ है या वैशेषिक दर्शन के छह पदार्थ है, अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। और उसको देखेंगे अभाव पदार्थ, अभाव पदार्थ क्या है? तो उसमें देखेंगे अभाव पदार्थ मतलब हो जाएगा नॉन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब कि इसको भी दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, एक संसर्ग अभाव, एक अनुन्य अभाव। संसर्ग अभाव लिखा है, संसर्ग अभाव और अनुन्य अभाव। संसर्ग अभाव का मतलब होता है कोरिलेशनल, कोरिलेशनल नॉन एग्जिस्टेंस, कोरिलेशनल नॉन एग्जिस्टेंस। और ये हो जाएगा अन्य अभाव, मतलब म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभाव पदार्थ के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो जो अभाव, संसर्ग अभाव होता है वो तीन भाग में टूटता है। देखेंगे पहला प्राग भाव, दूसरा है प्रध्वंसाभाव, तीसरा है अत्यंताभाव, तीसरा है अत्यंताभाव। तो यहाँ पे देखेंगे प्राग भाव, प्राग शब्द मतलब प्राग, प्राग मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग, अर्थात जिसका शुरू से अभाव हो। कैसे? तो प्राग भाव का मतलब होता है प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस। प्राग भाव को अगर हम इंग्लिश में बोले तो प्रायर मतलब बिगिनिंग, बिगिनिंग स्टार्टिंग में ही नॉन एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट, उपस्थिति नहीं है, अभाव है। तो प्राग भाव मतलब प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, इसका मतलब उत्पत्ति से पूर्व अभाव। उत्पत्ति किसी की नहीं हुई उससे पहले तो अभाव ही है ना, जैसे हम लोग का जन्म नहीं हुआ है, भले ही हम लोग अपने माता पिता के शरीर में शुक्र शोणित के रूप में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी उपस्थिति है, लेकिन जन्म नहीं हुआ है, इसका मतलब कि उत्पत्ति से पूर्व भाव है। तो अगर हम इसको कह लें कि हम लोग जन्म से पहले हम लोग की जो स्थिति है वो उत्पत्ति से पूर्व भाव हो गया, या ये कह लें कि बीज से पौधा बनता है, तो पौधे की उत्पत्ति से पूर्व वो पौधा बीज के रूप में है बट पौधा नहीं है, इसका मतलब बीज का जर्मिनेशन या प्लांटेशन से पहले जो उसका भाव, उसको बोलेंगे प्राग भाव। समझ में आया? दूसरा पॉइंट है हम लोग का देखेंगे कि प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा का मतलब होता है कि नष्ट हो जाने के बाद अभाव। प्रध्वंसा भाव का मतलब होता है नष्ट हो जाने के बाद अभाव। जैसे कोई पेड़ बन गया था, मतलब उपस्थिति हो गई थी, पेड़ कट गया, खत्म हो गया, टूट गया, तो उसका अभाव हो गया, जिसका मतलब उत्पत्ति के बाद या हम लोग का जन्म हो गया, माता पिता का सुख शोणित का सहयोग हुआ, हम लोग के बर्थ हुआ, जन्म होने के बाद किसी कारण से दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती, तो उसको मतलब उपस्थिति थी उसके बाद मृत्यु हो गई, इसका मतलब
दुर्घटना होगी नष्ट होने के बाद उसको बोलते हैं प्रध्वंसा भाव, तो इसको बोलते हैं सबसिक्वेंस नॉन एजिशन अर्थात नष्ट होने के पश्चात अभाव, समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे अत्यंता भाव। अत्यंता भाव क्या है? एब्सोल्यूट नॉन एजिशन। एब्सोल्यूट नॉन एजिशन मतलब कि निसंदेह अभाव है। इसका मतलब कि क्या है कि मनुष्य में मनुष्य जैसे मनुष्य की बात करें तो जैसे कह रहे हैं कि पुरुष में स्त्री का पुरुष में मनुष्य में सिंह का भाव, तो ये क्या है एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि पुरुष में सिंह का भाव। तो सिंह किस में होते हैं? सिंह होते हैं जानवरों में, तो इसका मतलब कि जानवर होते पुरुष में तो होते नहीं है, तो इसलिए एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस हो गया। इसको हम लोगे अत्यंता भाव। इसको देखेंगे हम लोग का ये अन्योन्य भाव था। अन्योन्य भाव का मतलब होता है कि एक वस्तु के सापेक्ष में दूसरी वस्तु का भाव, जैसे नल में पानी का भाव होना। नल किस लिए है? नल से पानी आता है, लेकिन उसका भाव तो बोलेंगे कि अन्योन्य भाव अर्थात नल से पानी का भाव। तो ये हो गया आपका ये चीजें। अब देखते हैं हम लोग ये जो भाव पदार्थ है द्रव गुण का समान विशेष समवाय, तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर, फिर भी इसको हम लोग श्लोक माध्यम से पढ़ लेते हैं। द्रव्य यत्रासिता कर्म गुणा कारण समवाय द्रव्यम, ये तो इसके बारे में बोला गया है। गुण के बारे में देख रहे होंगे समवाय तु निश्चेष्ट कारण गुण, ये गुण के बारे में बोल दिया गया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। उसको देखेंगे कर्म संयोगे च विभागे च कारण द्रव्यासितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न अन्य अपेक्षते। उसको देखेंगे सामान्य सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण और विशेष क्या है ह्रास हेतु विशेषज्ञ, ये आपका। और समवाय क्या है? समवायो अपृथक भावो, अपृथक भावो भूमि आदि नाम गुणैर मतलब सनित्यो, ये नित्य होता है। यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियते गुणः। तो इस तरह से हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।